समय के लिए इलेक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कमेटी वो गठित करी है, उसके कन्वीनर के तौर पर हमने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पहले समस्त भारतीय पार्टी चलाते थे पूरे हरियाणा के अंदर भी उनका, तो हमने इनको कन्वीनर की जिम्मेदारी दी है इलेक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कमेटी EPMC हमारे सुदेश अग्रवाल जी, हाँ, और बाकी कन्वीनर और बाकी बहुत सी इसके अंदर सब कमेटीज बनेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाब नबी आजाद ने अशोक तंवर द्वारा बनाई गई हरियाणा इलेक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट कमेटी को भंग कर दिया है। दरअसल 3 दिन पहले ही अशोक तंवर ने हाई कमान की बिना अप्रूवल की एक कमेटी गठित की थी, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद ने इसे भंग कर अशोक तंवर को बड़ा झटका दिया है। गुलाम नबी आजाद ने इलेक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट कमेटी के गठन को परमिशन नहीं दी और कहा कि इस तरह की कमेटी बनाना प्रदेश कांग्रेस का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यह काम करती है, इस कमेटी को हमारा अप्रूवल नहीं है, जिसके चलते इस कमेटी को हम मंजूर नहीं कर सकते और यह कमेटी किसी से पूछ कर नहीं बनाई गई। लेकिन AICC इस तरह की कमेटी सभी से पूछ कर बनाती है और अशोक तंवर ने इसके लिए किसी से नहीं पूछा। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास रिपोर्ट। को AICC का कोई अप्रूवल नहीं है और AICC से पूछा भी नहीं गया है। कोई भी इस तरह की कमेटी हो, चाहे वो स्टेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या वो कंपेन कमेटी हो या कोई और इस तरह की कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, PCC स्तर की, वो सिर्फ AICC ही बनाती है, PCC नहीं बनाती है। और अगर इस तरह की कोई कमेटी बनी है तो उसको AICC का कोई अप्रूवल नहीं है और AICC उसको उस कमेटी को नहीं। कोई समन्वय समिति की कोई वो नहीं बनाई गई। चुनाव आने वाले समय में और मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़े और उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम हर स्तर पर जो हमारी टीम है उसको दुरुस्त करें और उसी की प्रक्रिया में कुछ जो है मामले वो आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। पीछे भी ली और आज भी है। पिछले दिनों राहुल सब जो फालतू की बातें कुछ लोग करते हैं, अभी मैं समझता हूँ कि काम करने का समय है और काम सब लोग करें। और पीछे भी अगर संघर्ष किसी ने किया है तो यही सब लोगों ने, यही लोग पैदल चले, इन्होंने ही साइकिल यात्राएं करी, इन्होंने ही विधानसभा घेराव करे और दूसरे लोग भी सब लोग मिल करके ये नेतृत्व बदलना चलना, ये इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला।